नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जी हां, उत्तराखंड हाईकोर्ट आज कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड की सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। कल विधानसभा में हरीश रावत को बहुमत साबित करना है और आज के हाईकोर्ट के फैसले से ही ये तय होगा कि कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा में वोट देने का अधिकार होगा या नहीं। आज कैसी बनेगी उत्तराखंड में सियासी समीकरण की तस्वीर, नौ मई को नौ के खेल में फंसेगी उत्तराखंड की राजनीति। रावत रहेंगे या बीजेपी के हाथ में होगी बाजी। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आज आने वाले फैसले से ये तय हो सकता है कि हरीश रावत के हाथ फिर से राज्य की कमान आएगी या नहीं, क्योंकि अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के स्पीकर के फैसले को बहाल रखा तो जाहिर है बागी विधायक वोट नहीं दे सकेंगे और हरीश रावत के लिए सरकार बचाने की उम्मीद बरकरार रहेगी। लेकिन अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को पलट दिया तो बागी विधायकों को भी वोट देने का अधिकार होगा और ऐसी सूरत में रावत के लिए सरकार बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। यानी बागी विधायकों की सदस्यता के मामले पर आज हाईकोर्ट के फैसले का सीधा असर कल यानी 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण पर पड़ना तय है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण कल होना है, लेकिन बागी विधायकों की सदस्यता पर आज आने वाले फैसले पर रावत सरकार का बचना और गिरना तय होगा। अगर बागी विधायकों की सदस्यता बहाल हो जाती है और वोट देने का अधिकार मिलता है तो विधानसभा की स्थिति कुछ ऐसी होगी, बीजेपी के 28 विधायक और कांग्रेस के 9 बागी यानी 28 जमा 9 कुल 37। इस सूरत में बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि ये भी मान लिया जाए कि बीजेपी का एक बागी विधायक भीमलाल आर्य पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो भी पार्टी 36 के आंकड़े के साथ सरकार बनाने के लिए नंबर पूरे कर सकती है। लेकिन अगर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो सदन की कुल स्ट्रेंथ 61 पर आ जाएगी, जिस स्थिति में हरीश रावत को बहुमत के लिए 32 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी और कांग्रेस का दावा है कि 27 विधायक उसके, 3 निर्दलीय बीएसपी के 2 और उत्तराखंड क्रांति दल का 1 विधायक उसके साथ है और इस तरह वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। हालांकि ऐसा ही दावा बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द रहने पर भी सरकार उसी की बनेगी। विधायकों के आत्मसम्मान के कारण उन्होंने विरोध किया और आज भी कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस में उनके नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनका जो माफिया गिरोह के रूप में उनका काम करना, माफियाओं के सरगना के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में उनका काम करना, उससे उनके ही दल में विद्रोह हो रहा है और हमें उम्मीद है कि यह जो प्रोटेस्ट है ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये माफिया मुख्यमंत्री चाहिए या नहीं चाहिए इसके ऊपर। बीजेपी के सभी विधायक एकजुट है? हाँ हाँ, सारे विधायक एकजुट है। आपने देखा उस समय 18 तारीख से लेकर सारे विधायक एक साथ जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी देशद्रोही के ऊपर वॉच रखी जा रही हो, उस तरीके की वॉच रखी जा रही है। मेरे टेलीफोन इत्यादि, मेरे नहीं मेरे अगल बगल निकट सब लोगों के टेलीफोन आदि टेप किए जा रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश हो रही है और मैंने, मेरा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी के इन सरकार के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में उत्तराखंड के अंदर न केवल लोकतंत्र की हत्या की गई, दल बदल करवाया गया, दल बदल करवाया गया, बल्कि अब लोगों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का भी हरण किया जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी राजनीति संभावनाओं का खेल है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद संभावनाओं के इसी खेल में कांग्रेस और बीजेपी की
बाजीगरी दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।